याद रखें, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये बहुत शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट है। और कल क़यामत के दिन जब हम लोग होंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तो ये दुनिया कैसी लग रही होगी? यौमा यरौनहा लम यलबसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। वो देखेंगे कि यार, एक मुझे बस रात का कुछ हिस्सा या दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है हमने इस दुनिया में। तो जब इतना सा ही हमने टाइम गुजारना है इस दुनिया में, और हम लोग ही बात कह रहे होंगे क्यामत के दिन, तो फिर वाई वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड टीवी एंड गॉसिप्स? अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। क्या वो नहीं देखते कि हमने उनको इतना टाइम दिया था, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि जिसमें वो यानी जिक्र कर सकें, जिसमें वो याद कर सकें, जिसमें वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई कर सकें? क्या हमने उनको इतना लाइफ स्पैन ही दिया था कि जिसमें जो याद करना चाहिए उसको याद कर सकें कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या था? 30 30 40 40 साल हम पे गुजर गए हैं, बट अभी तक हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूजलेस मूवीज एंड ड्रामास एंड क्लिप्स और टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स, जिसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें एक ड्यू टाइम दिया है, और याद रखें, जो इस वक्त को ज़ाया करेगा, क़यामत के दिन ये वक्त का ज़ाया करना उसके लिए हसरत का बायस होगा। या हसरता अला मा फरतू फी जंबिल्लाह, के अफसोस हो मुझ पे, तबाही हो मुझ पे, कि मैं जो निगलेक्ट करता रहा अपने टाइम को और अपनी ड्यूटीज़ को टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हान व तआला। वो अफसोस कर रहा होगा, अपनी उंगलियाँ चबा रहा होगा कि हाय, काश मैंने इस वक्त को ज़ाया क्यों किया। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आई हैव नेवर रिग्रेटेड एनी थिंग एज मच एज माई रिग्रेट ओवर अ डे ऑन विच द सन सेट्स। मैंने आज तक इतना किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं किया जितना उस दिन को किया कि जिस दिन सूरज तुलू हुआ और फिर ग़ुरूब हो गया और मेरे दिन मेरा एक दिन ख़त्म हो गया और मेरी आमाल में बहुत ज़्यादा कसरत नहीं आई। और हम कितना रिग्रेट करते हैं इस टाइम को, ये तो पता चलेगा जब बूढ़े होंगे, और ये असल पता चलेगा जब मौत आएगी और कब्र में होंगे, ये मैंने क्या कर दिया।